तो इसी डिजाइन के ऊपर हमने पहले रिप कॉन्फ़िगर किया था जिसको हमने हटा दिया था, ठीक है। तो अब EIGRP को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, देखो EIGRP का जो सिंटेक्स है। इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थ्योरी आपकी वही है जो मैंने बताई है आपको। इसमें स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, IPv6 राउटर EIGRP, जो भी इसका AS नंबर देना चाहते हो आप वो दे देना। देखो कुछ राउटर पे, ये सभी के लिए नहीं है, कुछ राउटर पे इस कमांड को भी नो शट डाउन करना पड़ता है। मैंने दो चार राउटर के हिसाब से काम किया, अदरवाइज इंटरफेस को ही अप करना पड़ता है, लेकिन EIGRP के केस में कई बार इसे करना पड़ता है EIGRP AS नंबर को नो शटडाउन। उसके बाद जो भी आपका इंटरफेस और इंटरफेस टाइप होगा, आपने उसके ऊपर जाके IPv6 EIGRP जो भी AS नंबर है वो दे देना है, ठीक है जी। और हाँ एक चीज और, नो शटडाउन से पहले सिंटेक्स के अंदर देख लेना, राउटर आईडी आपको मैनुअली देनी पड़ेगी, 32 बिट का IP। ये सिंटेक्स है IPv6 राउटर, ये GRP, उसके बाद में जो भी राउटर आईडी है आपकी वो दे दो नो शट डाउन करके इंटरफेस पे। अब हम करते हैं काम इस पे। राउटर 1, ये राउटर 1 के लिए कमांड होगी, ये राउटर 2 के लिए होगी, ये राउटर 3 के लिए होगी, और ये राउटर 4 के लिए। मैंने पहले ही बना दिए थे इसको ताकि आपको आगे बेनिफिट हो इसका, ठीक है ना। कोडिंग मैं इसमें कॉपी कर दूंगा आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है जी कोडिंग कॉपी करने की, तो आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना। लेकिन अब R1 पे चलते हैं और पहले कमांड लगाते हैं। देखो आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी दी हुई है, तो हमने कमांड लगाना IPv6 राउटर EIGRP जो भी AS नंबर देना चाहते हो दे दो। देखो इसमें उसने ऑटोमेटिक उठा ली कमांड राउटर आईडी, तो मैं राउटर आईडी रखना चाहता हूँ जी 1111। कुछ कंडीशन में इसे नो शटडाउन भी करना पड़ता है, तो वो कर दिया मैंने। अब कुछ राउटर पे नहीं करना पड़ता, ये भी है। अब इंटरफेस Serial 1/0 IPv6 EIGRP 1, इंटरफेस Loopback 1 IPv6 EIGRP 1, इंटरफेस Loopback 2 IPv6 EIGRP 1, डू शो हिस्ट्री। देखो कितना ज्यादा इजी है ये। अब मैंने ये R1 के अंदर डाल दी कोडिंग, क्योंकि मेरे इंटरफेस इतने हैं, बाकी कमांड चाहे आप सेम रख लो, ठीक है। राउटर नंबर 2 पे जाके, ठीक है, कौन सी कमांड, ये वाली, ये तो ऑलरेडी सेम ही रहेगी आपकी, और Serial 1/0 तक ऑलरेडी सेम रहेगी ये। देखो बस उस पे एक्स्ट्रा इंटरफेस कौन सा है, 1/1, तो उसको भी डाल दूं, डू शो हिस्ट्री। तो ये देखो मैंने ये सेम AS नंबर लिया और सेम राउटर आईडी ली, तो ये R2 के ऊपर कोडिंग कर दी। अब मुझे पता है कि R2 के इंटरफेस और R3 के इंटरफेस बिल्कुल सेम है, तो अगर मैं R2 वाली जो कोडिंग है मेरी, सेम कोडिंग अगर मैं R3 के ऊपर भी कर दूं सेम, तो क्या होगा, जैसे मेरा EIGRP उस पे कॉन्फ़िगर हुआ वैसे इस पे हो गया। लेकिन आप चेक कर लेना इंटरफेस आपके सेम होने चाहिए, अगर इंटरफेस सेम नहीं होंगे फिर आपको दिक्कत आएगी। तो R1 वाले जो इंटरफेस हैं मैंने जानबूझ के वो सेम रखे हैं, तो आप R4 के ऊपर देख लो 1/0 Loopback 1 और 2, तो ये मैंने डाल दिए यहाँ पे। और अगर ये यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने, तो R4 की कोडिंग में भी लिख देता हूँ EIGRP, सेव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने ये कोडिंग की, R1 के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो जी, डू शो IPv6 रूट। अब रूट आपको D से शो होंगे, ठीक है, और आपको ये बताया जाएगा वाया Serial 1/0 वाया FE80 ये रूट जा रहा है D से, 90 इसकी AD है, ठीक है, ये 2681856 इसकी फिजिबल डिस्टेंस वैल्यू है। और अब अगर आप यहां से पिंग करोगे PING किसी को भी लूपबैक को, तो ये पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है जी?
तो दिस इज कॉल्ड EIGRP। उसके बाद OSPF इसी में करवा देता हूं मैं। देखो OSPF के लिए मुझे बस जो कमांड आपने लगाई है उसको नो IPv6 राउटर ये GRP1 कर दो। अगर आपने लगाई है तो आप R2 के ऊपर, R3 के ऊपर, R4 के ऊपर सभी पे लगा दो। जैसे ही आप ये वाली कमांड लगाओगे, जब आप दोबारा अब R4 के ऊपर, R1 या R2 या R3 के ऊपर डू शो IPv6 रूट देखोगे, सारे रूट हट गए हैं। हाँ, इंटरफेस पे आपको हटाना पड़ेगा, ये याद रखना, इंटरफेस के ऊपर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि राउटर जो आपने ये शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की है उसके अंदर ये नहीं हटाना है। तो ये आपका चेक कर लो आप, इंटरफेस पे मेरा वो रिप और EIGRP वाली कमांड लगी होगी अभी भी। कहां पे किया था मैंने, अच्छा वो EIGRP, हाँ वो मैंने नो करने से हट जाती है, सॉरी। तो यहाँ पे इंटरफेस पे से भी उसने अपने आप ही कमांड को हटा दिया नो करके, तो आपको इंटरफेस से हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा नो IPv6 राउटर EIGRP1 किया तो हट गई सारी कमांड। अब बात आती है इसके बाद हमारे लिए OSPF V3। वैसे आपको एक चीज और बताऊं, OSPF V3 EIGRP इसको न्यू CCNA में से वैसे रिमूव कर दिए, ठीक है, क्यों किया है अभी पता नहीं, शायद CCNP में डालेंगे। ये उससे भी ज्यादा आसान है, देखो सेम IPv6 राउटर OSPF जो भी प्रोसेस आईडी, लेकिन राउटर आईडी इसकी मैनुअली देनी पड़ेगी। पहले राउटर पे अगर आप हो तो 111 दे दो, ठीक है, दे दिया। क्या करना है, इंटरफेस पे जाके IPv6 OSPF1 Area 0 इंटरफेस Loopback 1। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है जी, आपका Area 0। देखो करने को कॉपी पेस्ट मैं इसको भी कर सकता हूं, यही कमांड को कॉपी करके मैं आगे भी कर सकता हूं यहां, लेकिन अगर R2 के लिए कॉपी करूंगा, देखो डिफरेंस क्या आएगा, मुझे यहां पे राउटर आईडी कुछ ना कुछ और रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर राउटर आईडी कुछ ना कुछ और रखनी पड़ेगी और इंटरफेस मुझे अलग अलग करने पड़ेंगे। ये देखो दूसरे राउटर पे डिफरेंस क्या किया मैंने, राउटर आईडी बदल दी। अगर राउटर आईडी मैंने बदल दी है, अब मैं R2 पे उसको लगवा दूंगा, सिंपल डन। और जब मैं यही काम R3 के लिए करूंगा, ये देखो EIGRP में तो सेम थी राउटर आईडी, तो पूरी की पूरी कोडिंग ही कॉपी हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर बाकी सारा चाहे सेम रहे लेकिन राउटर आईडी शुड बी डिफरेंट। तो R3 के लिए मैंने क्या किया, बाकी सारी कमांड सेम आ रही है, सिर्फ राउटर आईडी आपकी चेंज कर दी है मैंने। और R4 के लिए आपको याद होगा जो कोडिंग हमने R1 पे की थी वो सेम कोडिंग आपकी R4 पे हो रही थी, ठीक है, R4, लेकिन R4 के लिए मैंने राउटर आईडी बदल ली है। तो ये इसमें यूनिक चीज है कि इन OSPF यू हैव टू मैनुअली चेंज योर राउटर आईडी। अगर आप राउटर आईडी चेंज नहीं करोगे तो ये एक्सेस नहीं करेगा। अब ये हो चुका है तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड शो आईपी रूट देख लेते हैं। लो जी OSPF इज डन, पिंग करके देख लो जी इसे, 110 इसकी AD वैल्यू है, 192 इसकी मैट्रिक है। तो मैट्रिक वाला कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में आपको बता दिया। तो ये आपकी OSPF थी, तो इसको मैं OSPF V3 लिख के सेव कर लेता हूँ और ये वाली सारी कोडिंग मैं आपको भेज देता हूँ। बाकी किसी के क्वेश्चन है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने जा रहा हूँ, तो पूछ सकते हैं।